शहीदों को श्रद्धांजलि देते, भगत सिंह की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाते। ये भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष दीप कत्री है, जो शहीदी दिवस के अवसर पर संस्था के सदस्यों के साथ हुसैनीवाला गांव पहुंचे, जो भारत पाक के बॉर्डर पर स्थित है। शहीदी दिवस के दिन देश भर में अलग अलग जगहों पर शहीदों की याद में बाइक रैली, तिरंगा यात्रा और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन इस बार शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड ने ठानी कि सभी सदस्य हुसैनीवाला गांव, जलियावाला बाग, पटियाला वॉर मेमोरियल जाएंगे। उन्होंने अपनी बात पर अमल भी किया। अगर बात करें भगत सिंह यूथ ब्रिगेड की, तो ये संस्था कई सालों से भगत सिंह के परिवार से जुड़ी हुई है और सामाजिक कार्य कर रही है। हर साल 23 मार्च को हुसैनीवाला गाँव में शहीदी दिवस पर मेला भी लगता है, जिसमें दूर तक के लोग आकर उन्हें नमन करते हैं और समाधि स्थल पर माथा टेकते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इसी धरती पर लाकर है, जो अंग्रेजों ने दफनाने की, जलाने की कोशिश की थी, जिसका विरोध यहाँ गांव वालों ने भी किया था। कच्ची पक्की लाशें लोगों को मिली थी छिन बिना अवस्था में। तो ये वो जगह है हुसैनीवाला, जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, और यहाँ 23 मार्च के दिन है, जो शहीदी दिवस के दिन है, जो यहाँ मेले लगते हैं। जैसा कि आपने किताबों में पढ़ा है, उसमें भी कहा गया है शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, यहीं से शहीदों की आखिरी निशा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शहीदों को याद करते रहें, शहीदों को प्रणाम करते रहें, शहीदों की धरती को छूते रहें, शहीदों के जो हमारे देश के ऊपर एहसान है उनको हम चुका नहीं सकते, लेकिन उनको, उनके नाम को जरूर आगे से आगे बढ़ा सकते। आपको बता दें कि हुसैनीवाला वही जगह है जहां अंग्रेजी हुकूमत ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के बाद आनन फानन में जलाने की कोशिश की थी, जिसके बाद में स्थानीय लोगों ने इन शहीदों का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद सन 1968 में हुसैनीवाला शहीद स्मारक बनाया गया। इतना ही नहीं, शहीदी स्मारक से कुछ दूर भगत सिंह की माँ की समाधि भी बनी हुई है, जिन्हें पंजाब माता भी कहा जाता है। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।